कैसे लोग, आई होप यू आर फाइन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो व्लॉग में आप पीछे देख ही रहोगे कि आपने तो कहा था कि आप बाइक लाने वाले नहीं हो, लेकिन अब ले आए। तो रीज़न तो आपको बताऊंगा साथ में, बट पहले इसका को पता ही विल भाई, जितना मैंने सोचा था उससे तो भाई का ही ज़्यादा ऊपर ही चल गया। मैंने लगभग 15 तक सोचा था, तो 20 से प्लस हो गया इसका बिल, एंड बिल तो हमारे पास है। तो एक रीज़न तो ये भी रहा इसका बनाने का कि भाई सुकून कुछ चीज़ें देती हैं सुकून भाई। ऐसी बात नहीं है कि आपके पास बाइक ही है, कुछ और भी होती हैं, कुछ के दोस्त और भी चीज़ें होती हैं जो आपको सुकून देती हैं, लेकिन ये भी बाइक होती है, एक ये भी चीज़ होती है जो सुकून देती है। बट अभी खर्चा बहुत ज़्यादा था इसका, तो हमने सोचा ये सुकून अवॉइड ही कर दिया जाए तो ही अच्छा है। बट हमने कुछ और करना अवॉइड चाहा था इसे, पर सिचुएशन के हिसाब से भाई सब कुछ बदल जाता है। तो कुछ लोग भी बदल गए एंड फिर हमें सुकून के लिए कुछ तो चाहिए था, तो भाई इसको हम लिया है। पैसे बड़ी बात नहीं है, सुकून ज़्यादा बड़ी बात है। तो अभी फ़िलहाल तो कर्जे में भाई तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा कर्जे में आ चुका है। अभी बस थोड़े दिनों के बाद जैसे पेपर ख़त्म होंगे तो कुछ करना पड़ेगा ताकि भाई अपना सर का कर्जा जो उतारा जाए। एंड इसको लाने का भाई ठीक है, ला तो हम नहीं ला सकते थे, पर भाई कहीं ना कहीं से करना पड़ा। फिर मेरे को लगा कि दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था बचा हुआ अब मेरे पास, कि वही मसला है सुकून का जो कि ये है। बाकी फ़िलहाल ये चेक कर दिख रहा होगा आपको, अपना नाम लिख सकता है। फिलहाल तो यहाँ पे खड़ी करी है हमने, आई होप कि अब ख़राब ना हो एंड अच्छे से ध्यान रखेंगे हम इसका। और बाकी ये है भाई सुकून, तुम्हें पता ही है। एंड बाकी तो यही है, थोड़ी बहुत लोकेशन चेक कर लो भाई, जल गया है सब कुछ और काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है लोकेशन। एक भाई बाइक आ गई है, मतलब इतना ज़्यादा खर्चा करके सब कुछ करके, तो अब कंटिन्यू बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है भाई, बहुत ही ज़्यादा। एग्ज़ाम आ रहे हैं, अब एग्ज़ाम आएंगे उसके बाद फिर मुझे कर्जा जो है भाई दोस्तों वगैरह से लिया है, तो वो भी तो भाई करना पड़ेगा थोड़ा बहुत उसे भी। तो वहाँ पे तो लगभग अभी कम बैक करने का कोई भी रो वो नहीं, वैसे भी होता नहीं है कम बैक बहुत। वैसे 3-4 बार में बोल चुका हूँ कम बैक, जब मैंने ऐसा बोला तो भाई ये कम बैक ये छोड़ जाती है। तो इस बार जितना होगा भाई उतना करेंगे एंड धीरे धीरे चलेंगे धीरे धीरे। वैसे मैं यूट्यूब मेरे हिसाब से मैं कभी बंद करने वाला नहीं हूँ, हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये मेमरीज है थोड़ी सी वो की इकट्ठा करके रखी हमने। तो क्या भाई बाइक की लुक कुछ ऐसी दिख रही है अब जैसी थी पहले दिख रही है, क्योंकि चेंज तो होगा नहीं कुछ भी, क्योंकि चेंज तब होता है कि बाहर का काम करवाते हैं हम, हमने सिर्फ 15 का काम करवाया है एंड बाकी इंजन का काम बिल्कुल। बाकी आपको बात करनी थी, स्मूथ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है बाइक, थोड़ी बहुत रीले बनाई हमने यहाँ पे खूबसूरत लोकेशन पर भाई, बहुत तगड़ी तगड़ी बाइक के साथ। तो याद रखना इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, यहाँ पे एक आईडी और होगी द हिमाचल राइडर, ये इंस्टाग्राम पे पेज है हमारा, वो फॉलो कर लेना होगी। हमारी ऑफिशियल आईडी है, जो ऑफिशियल आईडी है जो हमारे हम यूज़ करते हैं बिल्कुल अच्छे से। तो बात बुत करनी तो क्या ही बात करनी है, चलो जो भी आपको मैसेज वगैरह करना होगा तो इस आईडी पर कर देना, दोनों आईडी में जिसमें आपका मन करे कर देना रिप्लाई। तो आई जाए रील्स चेक करना भाई, बहुत तगड़ी तगड़ी रील बनाई है एंड बहुत मेहनत लगती है भाई रील बनाने में। ऐसा लगता है आगा कि आपको बस शूट कर लिया थोड़ी सी, पर मैं ही बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। अभी मैं पहले रील ही शूट कर रहा था, मुझे पहले ब्लॉग कर लेना चाहिए था शूट, मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, अकेला बंदा हूँ, तो बहुत ज़्यादा कैमरा इधर उधर करना पड़ रहा था। और रील बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है बिल्कुल, पहले से जैसे बनाता था मैं वैसी नहीं है। एंड बाकी आप चेक जरूर करना इंस्टाग्राम पे, अपने भाई को फॉलो कर लेना। एंड बाकी थोड़ी सी मैंने पिछले कल राइड मारी थी एक, आते आते तो कोई ब्लॉग नहीं बना, डॉक्टर मैं घर में ही भूल गया था तो फिर ब्लॉग नहीं बन पड़ा। एंड फिर मैंने सोचा क्यों ना घर जाके करते हैं ब्लॉग। बाकी पुराने बिल की सारी फ़ोटोज़ मिल चुकी हैं मुझे, अगर एक अगला नेक्स्ट मतलब ये रख लो कि एक स्पेशल ब्लॉग बनाया जाएगा उसके लिए, पूरी फ़ोटो वगैरह बिल की जितने भी बिल थे हमारे पास उन्होंने दिए थे हमें फ़ोटो, पर इतनी भी अच्छी नहीं आई हैं, धुंधली आई हैं थोड़ी सी, मतलब हाँ पर जो प्राइस लगा हुआ है वो दिख रहा है, इतना सा है दिख रहा है। प्राय रील्स पर कंटिन्यू कर सकते हैं अभी हम, रील पे कम बैक हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि ये रख लो कि रील बनाने के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ता ज़्यादा, लेकिन मोटर लॉ करने के लिए तो भाई तुम्हें राइड तो मारनी ही पड़ेगी, एंड राइड पर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, ये भी याद रख लेना। एंड रील्स के लिए भाई यहाँ पे भी बना सकता हूँ मैं, तो रील्स में कम बैक कर सकते हैं। फाइनली भाई तुम्हारा अपनी बाइक ले आया, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से आई है ये, एंड सेल करने का मन था पर छोड़ने का मन भी नहीं था इसे,
क्योंकि अभी ये है ना कि छोड़ने का मन भी नहीं था, क्योंकि भाई देखो एक मात्र सहारा है हमारे पास ये, एंड बाकी तो बेचने का मन तो मेरा बिल्कुल भी नहीं है इसको, एंड फिलहाल अभी तक तो ठीक है, कर दी है। तो इसका पूरा व्लॉग जो है भाई एक मैं भी कल ही लाया उसको, एंड इसको मैं कल ही लाया हूँ, और फिलहाल मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ आज। कल नहीं कर पाया क्योंकि कल जो है भाई मैं अडेप्टर ही भूल गया था घर में, बाकी तो सारा सामान ले गया था, अडेप्टर घर में भूल गया, तो जिसके कारण अभी मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। तो ये बताएँगे कैसे क्या सीन पांडा, कितना बिल बना, ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत कुछ है मतलब, पर बताऊँगा नहीं कि क्या सीन पानी कैसे आई कब आई, वो नेक्स्ट ब्लॉग में करेंगे हम बात उसकी। फिलहाल तो मैं कल इसको अपने घर ही ले आया था ऊपर ही, आने वाला चलो भैया तुम्हें सीधे घर के दर्शन करवाते हैं। और देखो और मैं बिल्कुल सही टाइम पर इसको निकाल कर लाया हूँ, क्योंकि यहाँ पे आग लग गई है और मैं बाइक वहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे ये गिरा है, ये पूरा आग पकड़ लेता है बड़े आराम से, ये आज इसको नीचे ही खड़ा करना पड़ेगा। ये भाई गर्मियों में पता नहीं कौन लगा रहा है आग, ऊपर से इतनी गर्मियाँ हैं और बाद में जल जाती है भाई पूरी, और देखो कितने दूर लगी आग तब भी जल नहीं, यहाँ तक आ रही है इसकी। बहुत ही दिनों के बाद मोटो व्लॉग पर ये कल क्लच टूट गया था थोड़ा सा, खड़ी खड़ी ही गिर गई भाई, फुल ऑफ रोड, और बाकी ठीक है भाई, चल रही है अच्छी खासी। ओ देखो भाई ये है बिल्कुल सीधा रोड जैसे कि आपको पता ही है, पर जब मैं यहाँ पे आता हूँ खींच लूँ भाई बाइक पर, अभी नहीं, अभी इंजन का नया नया काम हुआ है, बिल्कुल ध्यान रखना है भाई, क्योंकि अब नहीं लगाए जाते पैसे मेरे से, बहुत पैसे लगवा दिए मैंने इस पर। हमारा काम है आपको बार बार बताना कि ये देखो कितने पैसे लगे हैं, और तुम्हारा काम है हमें सुनना कि देखो भाई कितने पैसे लगा रखे, दुआ करो अब खराब ना हो।